गंदगी व जल भराव की समस्या को लेकर रमनपुर नई बस्ती निवासियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। एक तरफ पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा शहर वासियों को साफ व स्वच्छ वातावरण देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक क्षेत्र गंदगी व जल भराव की समस्या से त्रस्त है। रमनपुर मालिन बस्ती निवासियों ने गंदगी व जल भराव की समस्या के चलते आज पालिका प्रशासन का पुतला दहन कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी समस्या काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। इस मामले में नगर पालिका विभाग को लिखित में कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनका कहना है कि गंदगी के चलते आए दिन उनके बच्चे बीमार होते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिता है। कहाँ की रहने वाली? रमनपुर में रहती हूँ। किस बात को लेकर? इसलिए फूंका कि गंदगी निरी हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ गंदगी में जलते हैं, मरते हैं, क्या करें। तीसरे दिन हॉस्पिटल जाते हैं, सुनवाई कोई होती नहीं है। सर आपने पहले बताया? पहले कई बार शिकायत करी, सुनते ही नहीं है। तो आज आपने मतलब हार के ये काम किया है। आक्रोशित बस्ती निवासियों का यह भी आरोप है कि जब से बाढ़ सभासद बना है तब से आज तक उन्होंने साफ सफाई को लेकर हमारे क्षेत्र की सुध तक नहीं ली। आज तक सभासद की आज शकल नहीं देखी, जब तो 5 साल होने आई उनको सभासद को, आज तक शकल नहीं देखी उसने। कोई जानता ही नहीं सभासद को है कौन यहाँ का। तो इसकी आपने इसने शिकायत नगर पालिका? हाँ, नगर पालिका में भी की। यो साहब ने अभी तक कोई कर्मचारी नहीं देगा यहाँ। एक दो जने आते हैं यहाँ तो मई की मई झाड़ू लगाई और सोई चले जाते हैं। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने? जब पीटी न्यूज ने इस मामले में चेयरमैन आशीष शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि पोखरों पर अवैध कब्जा होने के कारण मालिन बस्ती नीची रह गई है। इस समस्या के समाधान के लिए कुओं की जगह चिन्हित कर ली गई और जल्द ही क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान होगा। आज पालिका प्रशासन का पुतला फूंका है, चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, रमनपुर में पोखरों पर अवैध कब्जे हो गए, जहाँ पानी निकालने की या पानी रखने की जगह थी वो सब गिर गई हैं। उन पर लोगों ने कोलोनाइजर ऊँचे ऊँचे मकान बना लिए और जो गरीब बस्तियाँ हैं वो नीचे रह गई हैं, उसकी वजह से हम पानी का जल भराव है। इस जल भराव को पूर्णतः नगर से ख़त्म करने के लिए हमने नगर में 8 कुएं का निर्माण का एक साल पहले जो किया, उसमें 4 या 5 का काम लगातार चल रहा है। जगह ना मिलने की वजह से यहाँ शुरू नहीं हुआ है और एक हफ्ते पहले हमने जगह एक जगह फाइनल की है, हमने सर्वे भी किया और हम जल्द ही वहाँ एक कुआ बनाएंगे। लोगों से अनुरोध है कि वो बस्ती नीची है, 8 फुट नीची है और अव्यवस्थित रूप से बसी हुई है और गरीब वहाँ काफ़ी रहते हैं, तो हम लोग जल्दी कुआ बनाकर और इस जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। बाकी लोगों से अनुरोध है कि व्यवस्थित रूप से ही और जिस प्रकार से वहाँ मकान बने हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा नीचे मकान ना बनाए, जिससे कि भविष्य में दिक्कत ना हो।